2G स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले पर गठित जेपीसी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 16 मतों से मंजूरी दे दी। जनता दल यूनाइटेड के दोनों सदस्य और भाजपा के गोपीनाथ मुंडे इस बैठक से अनुपस्थित रहे। आउट ऑफ 27 मेंबर्स हु वर प्रेजेंट, 16 मेंबर्स सपोर्टेड अडॉप्टिंग द रिपोर्ट एज इट इज इन फुल एंड सो आई डिक्लेयर्ड दैट द रिपोर्ट वाज अडॉप्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। समिति की रिपोर्ट को अक्टूबर के आखिर तक लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा और तभी यह औपचारिक तौर पर सार्वजनिक हो पाएगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा ने इस मामले में प्रधानमंत्री को गलत जानकारियां दी। सीएजी द्वारा 1,76,000 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान को नकारते हुए कहा गया है कि एनडीए सरकार की नीतियों के कारण सरकारी खजाने को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि विपक्ष ने जेपीसी की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि वे इस पर अपनी ओर से असहमति पत्र देंगे। किसी भी रिपोर्ट के अडॉप्शन की प्रक्रिया होती है कि हर पेज पर डिस्कशन होता है। इन्होंने किसी पेज पर डिस्कशन नहीं किया, कहा कि अर्जेंटली करना है। हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम उसके ऊपर हम समझते हैं कि बहुत गलत हुआ और इस ये गलती का हमने विरोध किया। हमने हमारा नोट ऑफ डिसेंट दिया। मार्च 2011 में गठित इस जेपीसी ने अप्रैल 2013 में सदस्यों को ड्राफ्ट रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट पर आए असहमति पत्रों को अंतिम रूप देने के बाद इसे लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा और फिर इस रिपोर्ट को संसद पटल पर रखा जाएगा। 2G लाइसेंस आवंटन के मामले पर गठित जेपीसी ने पिछले 2.5 साल में 6 बार कार्यकाल का विस्तार लिया और अंततः अपनी 57वीं बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संख्या के मामले में बहुत ही नाजुक संतुलन था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के 2 और भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे के अनुपस्थित रहने के कारण रिपोर्ट को अंगीकार करने का रास्ता साफ हो गया। कैमरामैन अजय भाकुनी के साथ लालचंद्र सिंह, DD News, दिल्ली।